अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के इन तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो सबसे पहली जो खबर साथियों आ रही है वो अल थुमा स्टेडियम को लेकर आ रही है। साथियों जैसा कि आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप 2022 होने वाला है, तो उसके लिए साथियों वहां पे 8 नए स्टेडियम को बनाया गया। तो उनमें से एक स्टेडियम का नाम शामिल है जिनका नाम है अल थुमा स्टेडियम। दोस्तों अल थुमा स्टेडियम जो है वहां पे 2022 में जो होगा तो दोस्तों उसे ओपन वहां वो फीफा वर्ल्ड कप होने से पहले उसे ओपन किया जा रहा है। 49वां आमिर फाइनल कप जो है अल रायन और अल साद के बीच में दोस्तों वो मैच जो है वहीं पे खेला जाएगा, जो कि 22 अक्टूबर को दोस्तों होने वाला है। इसमें 40,000 लोगों को बैठने की दोस्तों क्षमता होगी और दोस्तों ये काफी ज्यादा लग्जरियस और काफी महंगी स्टेडियम दोस्तों ये बनाया गया है। अगली जो रिपोर्ट आ रही साथियों वो खबर आ रही एमओपीएच की तरफ से। तो एमओपीएच की तरफ से साथियों रिपोर्ट ये आ रही है कि ये 24 घंटा के अंदर वहां पे 56 न्यू केसेस वहां पे रजिस्टर किए गए हैं कोरोना वायरस के, जिनमें से 34 केसेस ऐसे हैं जो कि लोग ट्रेवलर हैं। वहीं 24 घंटा के अंदर 166 लोग अब तक रिकवर भी हो चुके हैं। टोटल रिकवरी के बारे में बात करें तो 234,425 लोग अब तक वहां पे रिकवर हो चुके हैं। दोस्तों यदि वैक्सीनेशन के बारे में बात करें तो अब तक वहां पे 46,96,753 लोगों को वहां पे वैक्सीन अब तक पड़ चुका है। 24 घंटा के अंदर 4,250 लोगों को वैक्सीनेटेड किया जा चुका है। दोस्तों वहीं बात करें कि फुल्ली वैक्सीनेटेड के बारे में तो 81.4% लोगों को कतर में अब तक फुल्ली वैक्सीनेटेड किया जा चुका है, यानी दोस्तों दोनों डोज उसको पड़ चुका है और 14 दिनों तक वो लोग अपने घर में गुजार भी चुके हैं। तो दोस्तों 81.4% लोग वहां पे फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। अगली खबर के चलते हैं। अगली खबर खाती जो आ रही है वो आ रही है एमओआई की तरफ से। एमओआई करके तरफ से ट्वीट करके बताया गया कि आज 24 घंटा के अंदर वहां पे 491 लोगों को वहां पे पकड़ा गया है कोविड-19 के बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने के लिए, जिनमें से 360 लोग ऐसे हैं जो कि मास्क नहीं पहने थे, 7 लोग ऐसे हैं जो कि एतराज एप्लीकेशन को डाउनलोड और दोस्तों 7 लोग ऐसे हैं जो कि आप एतराज एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए थे और 84 लोग ऐसे हैं जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। कुल मिलाकर 451 लोगों को वहां पे पकड़ा गया है, जो कि लॉ नंबर 17/1990 के तहत इन्फेक्शन डिजीज फैलाने के जुर्म में सभी को पकड़ा गया है। सभी पे फाइन लगाया जाएगा, फाइन यदि वो लोग नहीं भरते तो उन लोगों को जेल भी जानी पड़ सकती है। अगली जो खबर आ रही साथी वो प्राइमरी हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन यानी PHCC की तरफ से आ रही है। PHCC का दोस्तों जितने भी वहाँ पे गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, सभी को ये कहना है कि जितने भी आपके बच्चे 12 से 15 साल के बीच उम्र वाले हो गए हैं तो उनको जल्द से जल्द वैक्सीनेटेड करवाइए ताकि आपका बच्चा, आपका परिवार और पूरा देश सुरक्षित रह सके। क्योंकि दोस्तों आपको बताना चाहूँगा MOPH की तरफ से ट्वीट करके बता दिया गया था कि 12 से 15 साल के बच्चों को वहाँ पे वैक्सीनेटेड किया जा रहा है। तो यदि आपके घर में कोई भी उम्र वाले बच्चे हैं जिसके 12 से 15 साल के बीच में हैं तो आप जाकर उनको वैक्सीनेटेड करवा सकते हैं। दोस्तों अनाउंसमेंट वहाँ पे कर दी गई है। अगली जो खबर आ रही साथियों वो बहुत ही अच्छी खबर आ रही, पर वो खबर आ रही फिलीपींस भाइयों के लिए यानी फिलीपींस वर्कर के लिए। तो साथियों पहले फिलीपींस के वर्करों के लिए दोस्तों वहाँ पे पासपोर्ट रेन्यूअल का वहाँ पे कोई सेंटर नहीं था। तो फिलहाल दोस्तों अच्छी खबर वहाँ से ये आ रही है कि वहाँ फिलीपींस के लिए वहाँ पे पासपोर्ट रेन्यूअल सेंटर को ओपन कर दिया गया है। फिलीपींस एम्बेसी द्वारा दोस्तों अनाउंसमेंट कर दिया गया है। यदि उसके एड्रेस के बारे में बात करें साथियों, उसके एड्रेस जो होगा वो अल सुहमोक टावर 17 फ्लोर बिल्डिंग 231 सोहवेम बिन हमद स्ट्रीट जोन 23। दोस्तों ये जो है पूरा एड्रेस है दोहा में। तो यदि आप फिलीपींस के हैं तो यदि आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, रेन्यूअल करवाना चाहते हैं दोस्तों करवा सकते हैं। आपको अब अपने मुल्क जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगली जो अपडेट साथियों आ रही है वो आ रही है खरामा टीम की तरफ से। दोस्तों बताना चाहूंगा आपको कि लुसेल सिटी में जो कूलिंग प्लांट है खरामा टीम की तरफ से वहां पे विजिट किया गया, वहां पर निरीक्षण किया गया कैसा वहां पे काम चल रहा है। तो दोस्तों वहां कतर जनरल इलेक्ट्रिसिटी वाटर कॉर्पोरेशन के जो हेड है उन्होंने वहां कल के दिन दोस्तों विजिट किया और उसके साथ थे इंजीनियर जो अब्दुल अजीज अल हमदी साहब है जो डायरेक्टर ऑफ कूलिंग सर्विस डिपार्टमेंट खरामा के जो हेड है, वहां दोनों ने मिलकर दोस्तों इसका निरीक्षण किया, कहां पे क्या काम चल रहा है उसके बारे में जांच पड़ताल की है। अगली अपडेट साथियों आ रही है वो इंडियन एम्बेसी की तरफ से आ रही है। इंडियन एम्बेसी की तरफ से दोस्तों वहां के जो एम्बेसडर उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि थर्सडे के दिन 30 सितंबर 2021 को 3 बजे शाम से लेकर 5 बजे शाम तक वहां पे ओपन हाउस का दोस्तों कार्यक्रम रखा गया है। तो यदि उसमें आप शिरकत होना चाहते हैं तो दोस्तों जाके आप वहां पे शिरकत हो सकते हैं। इसका दोस्तों टाइमिंग है, इसका दोस्तों एम्बेसी परमिश 324 है और फोन कॉल यदि इसमें आप करना चाहते हैं तो 00974309525226। टाइमिंग है 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, ऑनलाइन मोड है, जूम मीटिंग होगा 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, मीटिंग आईडी होगा 8301392 4063, पासकोड होगा 121800। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इसकी जानकारी हो सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।